आप सभी लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि मोवी क्विक अकाउंट को इस प्रकार से डिलीट करते हैं इस प्रकार से डिलीट करते हैं कई तरीके से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे लेकिन आप लोगों को सही वीडियो नहीं मिल पाया होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने वाले मोवी क्विक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं किस प्रकार से किया जाता है इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करना भूल जाते हो अगर लाइक फटाफट से पहले तो लाइक कर दो लाइक के साथ साथ चैनल पहली बार आए हो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को आगे देखने को मिलता रहेगा तो सबसे पहले बात बता दोस्तों अगर क्विक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं 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 तो तो किस प्रकार से से करते हैं, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम बताने वाले हैं, तो आप कंप्लीट जरूर देखना तब आपको समझ में आएगा सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब पर कई बार सर्च किया होगा कि क्विक अकाउंट को डिलीट कैसे करें रिमूव कैसे करें तो आप लोगों को कई सारे वीडियो देखने को मिल गया होगा देखने को मिला होगा जैसे दोस्तों आप लोग क्विक अकाउंट को डिलीट करना चाहते थे लेकिन दोस्तों आप लोग कई बार जो है कोशिश किए लेकिन आपका मोबीक्विक अकाउंट डिलीट नहीं हो पाया ठीक है तो आप लोगों को करना क्या होगा सिंपल से दोस्तों मुई क्विक को ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन देखेगा ऊपर ऊपर साइड पे पहले यहाँ पर दिया करता था लेकिन दोस्तों साइड यहाँ पर चेंज हो गया इस साइड दे दिया गया है इसी पे क्लिक कर देना इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो नाम है वगैरह वगैरह जो भी जितना है वो सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है इसके बाद क्या करना होगा नीचे स्कोल करते हुए आना आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा चलिए बताया जाते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए दोस्तों यहां पर लिखा होगा हेल्प हेल्प लिखा होगा हेल्प के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे तो यहां पर कहा कहीं पर भी आपको जो है अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया ठीक है दोस्तों यहां पर कहीं पर भी अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन जो डिएक्टिवेट करने का तरीका है वही पर है ठीक है यहीं पर आपको नजर आएगा लेकिन दोस्तों यहां पर बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा नहीं बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए बोल रहा था कि वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले बात बता दोस्तों यहां पर अकाउंट डिलीट करने के लिए मूवी के अकाउंट को डिलीट करने के लिए रिमूव करने के लिए क्या करना होगा क्या करना होगा देखिए दोस्तों यहां पर करना यह होगा कि आपको जो है यहां पर एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि हुआ यहां पर माई अकाउंट एंड के इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन फिर से नजर आएंगे यहां पर जैसे कि दोस्तों आपको सामने नजर आ रहा होगा बारी बारी से बदलते हैं तो यहां पर केवासी का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है यहां पर इशू विथ सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहां पर चेंज इन अकाउंट डिटेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इशू विथ लॉग का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यहां पर लिखा हुआ है अकाउंट डीएक्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इसी ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना रहता है तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है हाई सुरेंद्र कुमार चौहान आई अब इस प्रकार देखने को मिल जा रहा है तो यहाँ पर हमें जो है तीन चार ऑप्शन फिर से देखने को मिल रहा है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट क्लोज माई विथ मूवी क्विक यहाँ पर लिखा होगा इट विद एक्सपायरी माई वॉलेट इस प्रकार लिखा हुआ है लो लॉगआउट फ्रॉम द अकाउंट इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो हमें जो है अपने अकाउंट को डिलीट करना है रिमूव करना है ठीक है अपने अकाउंट को क्लोज करना है तो सबसे पहला ऊपर ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है जो अकाउंट क्लोज माई विथ मूवी क्विक इस प्रकार से देखने को बार इसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लिए अब देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा होगा ये जो लिखा हुआ है कुछ अलग प्रकार से लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं इसको पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है अब पढ़ेंगे आप हिंदी जानते हिंदी जानते हैं इंग्लिश जानते हैं तो अच्छी बात है आप समझ जाएंगे लेकिन बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आता है तो वो लोग क्या करेंगे इसको मैं जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता देता हूँ इसको मैं सबसे पहले ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको पढ़ के सुना देता हूँ फटाफट इसको ट्रांसलेट करता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या लिखा है तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया ट्रांसलेट करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मुई क्विक मेरा खाता हटाएँ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो है भेजा था इनको ठीक है ये भेजा था इसके बाद यहाँ पर फिलहाल डिलीट करने का कोई विकल्प नहीं है मोबी क्विक कह रहा है कि डिलीट करने का कोई भी विकल्प नहीं है हालांकि क्विक के साथ आपका खाता आप अपने खाते और सेवाओं को समाप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं यदि आप अपना खाता निष्क्रिय करना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप कृपया अपने उपलब्ध शेष को निकास मतलब निकाल ले या उसका उपयोग करें और फिर खाता बंद करने का अनुरोध करें इसके अलावा अपने सभी सह सहजे गए कार्ड हटा दें और फिर आगे की कार्यवाही के लिए हमें एक हमारे पास एक टिकट जमा करें इस प्रकार से देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर कहने का मतलब मूवी क्विक का कहने का मतलब साफ है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी मूवी क्विक का कहने का मतलब है दिखा देता हूँ आपको तो इनका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप जो है कार्ड सेव करके कर रखे हैं या तो कार्ड सेव करके कर रखे हैं या तो आप जो है क्या किए हैं अपना जो है अकाउंट ऐड करके कर कर रखे हैं या तो कार्ड सेव करके कर कर रखे हैं उसको सबसे पहले हटा दें और हटाने के बाद एक जो है टिकट जनरेट कर लें ठीक है टिकट जनरेट कर लें टिकट जनरेट करने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट जो है यहाँ से हटाया नहीं जा सकता हटाने का कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है एक बार अकाउंट बन गया तो बन गया ठीक है कहने का मतलब इनका यही है कि जो है यहाँ पर टिकट जनरेट होगा टिकट जनरेट होने के बाद आपको उधर से टिकट के रिप्लाई आएगा कि जो है आप सबसे पहले तो अपने कार्ड को हटाइए अपने बैंक अकाउंट को हटाइए हटाने के बाद टिकट जनरेट कीजिए अगर पैसा है वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको यूज़ कीजिए कहीं भेजिए यूज़ कीजिए रिचार्ज कीजिए जो भी करके आप खर्च कीजिए उसको जीरो कीजिए ऐसा करके बोला जा रहा है तो आप वैसे कर लीजिएगा करने के बाद दोस्तों यहां पर टिकट जनरेट कर लीजिएगा टिकट जनरेट करने के बाद इसको आप जो है टिकट जनरेट कर देंगे इसके बाद उनसे जो है जो भी हो सकता है वो जो है डिलीट करना चाहते निष्क्रिय करना चाहते तो वो कर देंगे और नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों से अगर आप जो है डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर कोई भी विकल्प नहीं है बस टिकट जनरेट करके जो है उनसे एक बार बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हुई है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मैं तमाम दोस्तों साथ शेयर करना अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेट टॉपिक पिकस इन वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहो सलाम